असलकुम मैम डॉक्टर यूसुफ सिद्दीकी टॉड हैंनरी द फेमस राइटर अपनी किताब डाई एम में एक बहुत ही ज़बरदस्त वाक्य लिखते हैं जो कि एक्चुअली उनकी इस किताब को लिखने की वजह भी बनी तो आज मैं आपसे उनके इस वाक्य को शेयर करूंगा, जिससे शायद आपकी ज़िंदगी के सोचने के जाव्य भी बदल जाएंगे आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास मेरी अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन भी आ सकें टॉड हेनरी इस वाक्य का जिक्र इस तरीके से करते हैं कि वो एक बिजनेस मीटिंग को अटेंड कर रहे थे जहां पर डायरेक्टर अपने सबॉर्डिनेट से एक सवाल करते हैं और वह सवाल ये है कि वेयर इज द रिचेस्ट लैंड इन द वर्ल्ड अब एम्प्लॉइज अपने फहम और फरासत के मुताबिक उन्हें जवाब देते हैं कोई एम्प्लॉई ये कहता है कि इट इज द अफ्रीका वेयर देयर आर द गोल्डन वेयर देयर आर द डायमंड माइंस एंड देयर आर द गोल्ड माइंस और किसी ने कहा कि गल्फ वेयर देयर आर द ऑयल रिजर्व्स लेकिन डायरेक्टर का रिप्लाई था रॉन्ग आंसर्स और राइट आंसर बताते हुए उन्होंने कहा कि द रिचेस्ट लैंड इन द वर्ल्ड इज द ग्रीव और उनके इस जवाब के बाद मीटिंग रूम में पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया सारे लोग हैरान थे कि एक कब्रुस्तान कैसे रिचेस्ट लैंड ऑफ द वर्ल्ड हो सकता है पिन ड्रॉफ साइलेंस को ब्रेक करते हुए डायरेक्टर ने कहा लेट मी एक्सप्लेन वाई द ग्रेव यार्ड इज द रिचेस्ट लैंड इन द वर्ल्ड अपनी बात को मजीद एक्सप्लेन करते हुए उन्होंने कहा कि लाखों लोग मिलियंस ऑफ माइंड्स विद बिलियंस ऑफ आइडियाज कब्रिस्तान में दफन है मनोमट्टी तले दफन है तो सबसे कीमती जगह क्या कब्रिस्तान ना हुई मजीद उन्होंने शेयर करते हुए कहा कि दुनिया में ऐसे लाखों करोड़ों लोग हैं जो अपने आइडियाज को अपने नॉलेज को अपने स्किल्स को अपने साथ लेकर दफन हो जाते हैं इसीलिए वो रिचेस्ट लैंड ऑफ द वर्ल्ड है क्योंकि वहीं पर सारा कुछ दफन है तो टॉड हेनरी क्योंकि सारे वाक्य से बहुत इंस्पायर्ड थे तो उन्होंने लोगों को मोटिवेट करने के लिए डाई एम टी बुक लिखी और वो ये कहते रहे इस पूरी बुक में मैसेज कि ऑलवेज चूज टू डाई एम टी वो कैसे होगा कि जब आप अपनी जिंदगी में लोगों से अपना नॉलेज शेयर करेंगे जब आप अपनी जिंदगी में अपने स्किल सेट को लोगों में ट्रांसफर करेंगे ट्रांसफॉर्म करेंगे जब आप अपनी जिंदगी में लोगों से आइडियाज शेयर करेंगे जब आप अपनी जिंदगी में लोगों के साथ काइंड रहेंगे तो अल्टीमेटली आप एम टी डाई होंगे तो इट इज ऑल अप टू यू इट इज ऑल अप टू यू दैट वट यू चूज अगर आप सारा कुछ अपने माइंड में लेकर इस दुनिया से चले जाएंगे तो अल्टीमेटली कब्रुस्तान ही सबसे कीमती जगह रह जाएगी आइंस्टाइन से लेकर एरिस्टोटल तक तमाम लोग जिन्होंने दुनिया के अंदर अपनी इजादात अपना नॉलेज अपना कंट्रीब्यूशन दिया आप देखें आज भी वो ख़ुद तो मट्टी के अंदर हैं लेकिन आज भी उनके काम की वजह से लोग उन्हें याद रखते हैं आज भी वो लोगों की ज़िंदगी में नमूने के तौर पे हैं एग्ज़ाम्पल के तौर पे हैं आज भी किताबों के अंदर उनको पढ़ाया जाता है उनकी तालीमत को पढ़ाया जाता है बेसिस हैं उनकी लीम तो आप चाहते हैं कि आप भी उन लोगों में शामिल हो जाए कि जो कि अपना नॉलेज अपना स्किल अपनी एबिलिटीज दूसरे लोगों को ट्रांसफर कर दे या आप कब्रुस्तान को ही सबसे कीमती जगह बनाना चाहते हैं क्योंकि जो लोग नेक नियति के साथ दूसरे लोगों की खिदमत करते हैं दूसरे लोगों के साथ काइंड रहते हैं अपनी ज़िंदगी के अंदर दूसरे लोगों को नॉलेज ट्रांसफ़र करते हैं दूसरे लोगों को अपने आइडियाज़ देते हैं अब चीज़ों को अपने माइंड में नहीं रखते खाली डिलीवर करते हैं वो लोग उनका मकाम हमेशा जिंदगी में रहता है और लोग उनको हमेशा याद रखते हैं और उनको हमेशा आखिरी वक्त तक रहती दुनिया तक उन लोगों का नाम रहता है और मैं चाह मैं चाहता हूँ मैं जानता हूँ कि आपकी बल्कि हर शख्स की यह ख्वाहिश है कि उसका उसके वालदान का नाम रहे उनकी रेकगनीशन हो और रिक्निशन का ओनली सोर्स ये है दैट यू हैव टू चूज़ टू डाई एम टी